Yes. Today, I will conclude the topic of nationalism in India from the starting till now we have covered. Nationalism in India, time period, jo hai hamara chapter, that is 1915, when Mahatma Gandhi came in India. And in that particular time period, First World War was going on. 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी चल रही थी एंड महात्मा गांधी ही केम इन इंडिया 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड यू नो इन साउथ अफ्रीका ही फॉलोड द पॉलिसी देयर एंड सत्याग्रह ही लॉन्च बिकॉज एट दैट टाइम साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट दे वर फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट एंड एट दैट टाइम महात्मा गांधी ही स्ट्रगल्ड अ लॉट and to you can say protect the rights of black people there. When he came in India, he visited the different parts of our country, and here he was very, you can say, upset to see the condition of poor people, peasants, farmers, mill workers. So that's why when he came back, he also started satyagraha in India. ठीक है, तो ये दोनों events को हमने कैसे learn करना है? ये वाली event first वर्ल्ड वॉर, ठीक है, हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन. कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी उसने एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो कंट्री में बना दी. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आपने डिस्ट्रक्शन बतानी, दैट मेनी पीपल वर किल्ड. फिर हमने बताना है बिकॉज एट दैट टाइम कॉलोनियल रूल वॉज देयर, सो इंडियंस दे वर नॉट गिवन फैसिलिटीज फ्रॉम द कंट्री. एंड ये एक मेन रीजन बना लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग आना, बिकॉज एट दैट टाइम उनको ये लगा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म हो जाने के बाद शायद ब्रिटिशर्स उनको इंडिपेंडेंस देंगे, पर ऐसा नहीं है. और इस तरह से लोगों के मन में फीलिंग आई एंटी कॉलोनियल का मतलब कि वो कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट हो गए और हर ग्रुप अपनी अपनी तरह से ब्रिटिश रूल को अपोज करना शुरू हुआ. अभी ऑपोजिशन जो है वो कैसे हुई, मतलब ये पूरा आपका टॉपिक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टॉपिक है जिसमें आपने डिस्ट्रक्शन बतानी है, जिसमें आपने बताना है कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो वर्स्ट हो गई एंड एट दैट टाइम मेनी पीपल दे स्टार्टेड अपोजिंग ब्रिटिश पॉलिसी. इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सत्याग्रह. सत्याग्रह का मीनिंग क्लियर होना चाहिए. सत्य मीन्स ट्रुथ, ग्रह पाथ, पाथ लीडिंग बाय ट्रुथ, यानी कि ऐसा रास्ता जो हमें सच की तरफ लेकर जाता है सत्याग्रह. पावरफुल मेथड ऑफ नॉन वायलेंस, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम नॉन वायलेंस की हेल्प से जो भी हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो हमें अप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, हम उसके कॉन्शियस को विन करते हैं. कॉन्शियस को विन करना मीन्स हम वायलेंट नहीं करते, हम कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे कि वो हमारे बारे में सोचे. सपोज एक पर्सन है सत्याग्रही है, वो हंगर स्ट्राइक करता है, वो सारा दिन कुछ नहीं खाता, वो दो दिन तक कुछ नहीं खाता, तीन दिन तक कुछ नहीं खाता, तो अल्टीमेटली जो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो उसको ऑप्रेस कर रहा है, तो उसके मन में उसके लिए कुछ तो होगा कि हाँ जी इस पर्सन को क्या चाहिए, देन ही विल ट्राई टू फुलफिल दैट, है ना. तो ऐसे ही महात्मा गांधी जी ने इंडिया में बहुत से सत्याग्रह लॉन्च किए जब वो आए, ठीक है. तो ईयर हमने याद रखने हैं 1916, 1917, 1918, ठीक है, तो ऐसे याद रखो. चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद. 1916 में चंपारण कहाँ पे, बिहार. और ये सत्याग्रह जो था वो किनके अगेंस्ट था, इंडिगो प्लांटर्स, खेड़ा पीजेंट्स को उस टाइम पीरियड में रेवेन्यू देना पड़ता था, तो उनके उनके लिए था ये, उनके लिए था जो इंडिगो प्लांटर्स फार्मर्स को उस टाइम पर में एक्सप्लॉयट कर रहे थे, क्योंकि इंडिगो उस टाइम पर में प्रॉफिटेबल नहीं था. जो फार्मर्स इंडिगो प्लांट करते थे उनकी लैंड बैरन हो जाती, लेकिन इंडिगो की डिमांड फॉरेन में बहुत ज्यादा थी, इसलिए ब्रिटिशर्स उनको कंपेल करते थे टू ग्रो इंडिगो, ठीक है. तो उस टाइम पर में फार्मर्स को कंपेल किया जा रहा था टू ग्रो इंडिगो, पीजेंट से हाई रेवेन्यू लिया जा रहा था, एंड अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स को वेजेस प्रॉपर नहीं मिल रहे थे, कंडीशन अनहाइजेनिक थी. तो ये सत्याग्रह जो थे उन्होंने लॉन्च किए. और इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन जो है व्हाट डू मीन बाय सत्याग्रह
एंड एक्सप्लेन ऑल द सत्याग्रह, कौन कौन से सत्याग्रह लॉन्च किए वो हमने इसमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद फिर 1919, क्योंकि आपने इसको टाइमलाइन ईयर वाइज लर्न करना है, ठीक है। 1919 में रॉलेट एक्ट, सर जस्टिस रॉलेट उनके नेम पे एक्ट बना था, दैट एक्ट गेव अनलिमिटेड पावर्स टू पुलिस टू अरेस्ट एनी इंडियन और एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years विदाउट एनी केस। तो महात्मा गांधी एंड कांग्रेस पार्टी एट दैट टाइम दे अपोज दिस रॉलेट एक्ट, मेनी पीपल दे स्टार्टेड अपोजिंग, इवन महात्मा गांधी ही स्टार्टेड रॉलेट सत्याग्रह। वट हम ये कह सकते हैं कि 13 अप्रैल 1919 का जो इंसिडेंट है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ठीक है, वो हमने इसके बाद पढ़ना है कि व्हाट वाज द रीजन, बिकॉज़ एट दैट टाइम मेनी पीपल दे गैदर्ड इन द जलियांवाला बाग टू डिस्कस द रॉन्ग पॉलिसीज अबाउट रॉलेट एक्ट एंड मार्शल लॉ। मार्शल लॉ लगा दिया गया था, बट पीपल वर नॉट अवेयर, उनको पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो जनरल डायर ही टुक द एडवांटेज एंड उसने क्या किया, ही ब्लॉक द एंट्री एंड एग्जिट गेट एंड ही शूट फायर ऑन इनोसेंट पीपल, मेनी इनोसेंट पीपल दे डाइव्ड इनटू वेल, और अपनी जान बचाने के लिए वो वेल में कूद गए, और बाद में उसी वेल के ऊपर जो स्मारक बनाया गया है उनकी याद में, तो जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, दैट इज जलियांवाला बाग स्मारक। तो ये भी इंसिडेंट हमारा इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन हिस्टोरिकल जो है वो मॉन्यूमेंट बनाया गया उनके लिए, ठीक है, ठीक है। 1919, इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 19 हमने किया था 1920 1921। अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो हमारा मेन टॉपिक हमने कवर किया वो है खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। 1920 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन, दो सेशन हुए थे, एक हुआ था कोलकाता और दूसरा हुआ था नागपुर में, ठीक है। और इसमें मेन इस सेशन में क्या डिसाइड किया गया कि कैसे खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जोड़कर एक इकट्ठी एक नेशन वाइड मूवमेंट जो है वो बनाई जाए, ठीक है। और उसके बाद 1921 में मूवमेंट को लॉन्च किया गया, ठीक है। और इसका मेन इशू क्या था, खिलाफत कौन खिलाफ थे, मुस्लिम खिलाफ थे किनके, ब्रिटिशर्स के, बिकॉज आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की वॉज डिफीटेड इन द बाय द ब्रिटेन फ्रांस एंड रशिया एंड मैनी हार्श ट्रीटीज वर इम्पोज ऑन द खलीफा ऑफ टर्की, जो टर्की के उस टाइम पीरियड में रूलर थे, खलीफा कहा जाता था। और ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स दे कंसिडर्ड हिम एज देयर गुरु, वो उनको अपना मुस्लिम गुरु मानते थे। तो इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माने गए। सेप्टेम्बर का सेशन, ठीक है, और एक दिसंबर का सेशन। सेप्टेम्बर और दिसंबर यानी कि दो मेन सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माने गए। कैलकटा सेशन जो हुआ था वो हुआ था सेप्टेम्बर 1920, ठीक है। और दिसंबर में जो हुआ था वो था नागपुर, ये आपने मैप के प्लेसेस भी याद करो, नागपुर में हुआ था दिसंबर 1920, मंथ वाइज याद करो इसको। 1920 में सितंबर के मंथ में सेशन हुआ था कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, और दिसंबर में हुआ था नागपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेकंड सेशन। प्रपोजल क्या पास किया गया, हाउ टू कंबाइन खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन इशू। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत कमेटी बनी थी बॉम्बे में, टू ब्रदर्स, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उन्होंने मिलकर मुस्लिम्स को इकट्ठा किया ताकि ब्रिटिशर्स को के अगेंस्ट जो है वो मूवमेंट स्टार्ट की जाए, एंड सेम इट वॉज सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी एंड इट वॉज कम्बाइंड एज खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन का मतलब नॉट टू कोऑपरेट, कैसे कोऑपरेट नहीं किया, इसको हमने टू पार्ट्स में आगे डिवाइड किया, सिटीज एंड कंट्री साइड। सिटीज में कैसे लोगों ने नॉन कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया, टीचर्स, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, दे रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट, और स्टूडेंट्स दे यू कैन से दे बॉयकॉटेड द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशनल स्कूल्स, टीचर्स दे बॉयकॉट, और इंडियंस दे बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, दे अडॉप्टेड स्वदेशी, बर्न्ड फॉरेन गुड्स इन बॉन फायर,
ठीक है, बॉनफायर का मतलब होता है ग्रुप में मिलकर चीजों को जला देना. देन मैनी पीपल, लिकर, लिकर जो होती है जिसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट, दी शॉप्स वर ब्लॉक, उनकी इनकम को रोकने के लिए उनको लॉस. अल्टीमेटली यहाँ पे इंडियंस का मेन मोटिव क्या था कि ब्रिटिश को लॉस प्रोवाइड किया जाए. लॉस का मतलब होता है बिजनेस में जो भी उनको फायदा हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, उसको लॉस में कैसे कन्वर्ट किया जाए. सो दैट्स व्हाई मैनी पीपल दे पार्टिसिपेटेड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन देयर ओन वे. मैनी पीपल दे सरेंडर द टाइटल्स, उन्होंने अपने टाइटल्स वापस कर दिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको देती थी, जैसे किसी के नाम के साथ राय बहादुर, राय साहब लगाना, एक अलग से प्रिविलेज देना. तो लोगों ने अपने सरेंडर्स कर दिए, इनको टाइटल्स जो वापस कर दिए. तो एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट ना करने का उनका मोटिव था ताकि वो यहाँ पर ना रहे. महात्मा गांधी जी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में, जिसने कहा था कि जब तक ब्रिटिश हमारी कंट्री में है हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तब तक वो यहाँ पे हैं. जब हम उनको सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उनका रूल जो है वो खत्म हो जाएगा. और इस तरह से लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. देन फिर हमने कंट्री साइड, नॉन कोऑपरेशन में जब भी कंट्री साइड का मतलब है विलेज एरियाज, इसमें हमने स्पेशल बताना है पीजेंट्स के बारे में, उनका जो है वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है कि नॉन कोऑपरेशन का मतलब उन्होंने कैसे लिया था, कैसे उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया. तो इसमें हमने बताना है अवध के बारे में, सेकंड हमने बताना है असम की स्टोरी, ठीक है. अवध में पीजेंट्स, अवध की सान सभा बनी, अवध बेगार करवाई जाती थी, बॉन्डेड लेबर करवाई जाती थी उनसे, तो दे अपोज, उनके लिए नॉन कोऑपरेशन का मतलब था कि ब्रिटिशर्स को अपोज करना. और जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स अपने अपने एरियाज में लैंड लॉर्ड्स उनको बहुत ज्यादा तंग करते थे रेवेन्यूज के लिए, तो पीजेंट्स ने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है. बेगारी करना बंद कर दिया, बॉन्डेड लेबर करना बंद कर दिया, एंड लैंड लॉर्ड्स को रेवेन्यू देना बंद कर दिया, ठीक है. असम के प्लांटेशन वर्कर्स जो टी प्लांटेशन का काम करते थे, उन्होंने जो एक्ट साइन किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ब्रिटिशर्स के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि 5 साल के लिए वो अपने घर नहीं वापिस आए. इसका मतलब है कि नॉन कोऑपरेशन का मतलब उन्होंने क्या लिया, दे ब्रोक द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड दे लेफ्ट द जॉब. और बहुत से प्लांटेशन वर्कर्स अपने अपने एरियाज में वापिस आए, लेकिन सम वर अरेस्टेड एंड सम वर किल्ड आल्सो, ठीक है. पुलिस ने, पुलिस की हेल्प से इन प्लांटेशन को कंट्रोल कर लिया गया. और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत से टी प्लांटेशन जो प्लांटेशन एरिया में काम करते थे उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. ये हो गया पीजेंट्स, प्लांटेशन वर्कर्स. थर्ड, गुडैम हिल्स, ये ट्राइबल्स रिवोल्ट, यानी कि ट्राइबल्स ने भी अपनी तरफ से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. इसमें अवध का नाम आता है तो बाबा रामचंद्र सन्यासी, और गुडैम हिल्स का नाम आता है तो अलूरी सीताराम राजू, जिनको फॉरेस्ट जो लोग थे वो अपना गॉड मानते थे, ठीक है. और उसने जब ब्रिटिश लॉज हमारी कंट्री में बने, फॉरेस्ट लॉज बने, एट दैट टाइम दीज वर नॉट परमिटेड टू एंटर इन द रिजर्व फॉरेस्ट. तो इनके लिए नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या था, इनके लिए नॉन कोऑपरेशन का मतलब था कि फॉरेस्ट एक्ट को ना मानना. और इस तरह से फॉरेस्ट लोगों ने भी, जो फॉरेस्ट के लोग थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. बाद में अलूरी सीताराम राजू जो था उनको कैप्चर कर लिया गया. इवन सिर्फ इस गुडैम हिल्स में ही नहीं, उस टाइम पे में बहुत से एरियाज में रिवोल्ट हुए, ठीक है. और लोगों ने अपनी अपनी तरह से रिवोल्ट किया, यानी कि दे वर नॉट सपोर्टिंग द ब्रिटिश रूल्स एंड रेगुलेशंस, दे वर नॉट कोऑपरेटिंग, ठीक है. लेकिन अब महात्मा गांधी जी का मेन थीम क्या था, नॉन वायलेंस. लेकिन महात्मा गांधी जी को न्यूज मिली 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट, when police station was burnt and many police officers were killed, and due to this incident Mahatma Gandhi ji, he was very shocked, he became angry and he called off movement, unhone ye movement ko wapas le. dusri taraf log khadi bahut expensive thi to dheere dheere logon ne foreign goods ko fir se khareedna shuru kar diya. students teachers ke paas koi alternate institutions nahi the to unhone fir se schools colleges ko join kar liya. lawyers jo the wo dheere dheere fir se अपनी प्रैक्टिस जो है वो करना शुरू हो गए. और अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि 1922 के बाद मूवमेंट जो है वो स्लो हो, स्लो डाउन, क्लियर. इसके बाद इन बिटवीन कुछ लोग पार्टीज बनाना लगे, वो कांग्रेस से अलग हो गए. स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी बनी 1922 में. सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ये लोग इलेक्शंस के द्वारा आगे आना चाहते, ये लोग मूवमेंट से पार्टिसिपेट करके फेडअप हो चुके. इसके बाद नेक्स्ट 1928 साइमन कमीशन,
इम्पोर्टेंट इवेंट मानी जाती है ये भी। इनका मेन मोटिव था इंडिया में आकर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स या एजुकेट या किसी भी तरह से अलग अलग सेक्टर्स को किस तरह से रिफॉर्म किया जाए और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का मेन मोटिव था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, सर जॉन साइमन जो थे इनके हेड थे और बाकी सारे मेंबर्स जो थे वो कौन थे, फॉरनर्स। नो इंडियन मेंबर वाज इन दिस कमीशन, सो दैट्स व्हाई व्हेन दिस कमीशन केम देन इंडियंस दे ग्रीटेड विद देम विद ब्लैक फ्लैग्स एंड साइमन गो बैक वर्डिंग्स ऑन। एंड उसके बाद साइमन कमीशन वापस जो है वो चले गए बिना किसी डिसीजन के। और इसके बाद 1929 लाहौर सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इससे पहले लॉर्ड इरविन जो वॉइस हुए उन्होंने इंडियंस को प्रॉमिस किया कि वो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन का मतलब होता है पार्शियल इंडिपेंडेंस। बट लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन डोमिनियन, दे वॉन्टेड पूरन स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उन्होंने क्या किया, 26 जनवरी को अपनी तरफ से ही इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दी। ठीक है, और इसलिए 26 जनवरी यानी कि ये जो लाहौर सेशन था ये हुआ था दिसंबर में, दिसंबर के मंथ में, और नेक्स्ट मंथ यानी कि 1930 26 जनवरी वॉज डिक्लेयर इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, और इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू और बहुत से लोगों ने प्लेज लिया टू फाइट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बाद में इसी पर्टिकुलर डे को इम्पोर्टेंस देने के लिए हमारी कंट्री, वैसे तो हमें 15 अगस्त हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं लेकिन 26 जनवरी को एक हिस्टोरिकल स्टेटस देने के लिए आर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी एंड डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक डे। क्लियर। इसके बाद 1930 में क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट सॉल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, इसमें हमने बताना है दैट महात्मा गांधी जी ही रोट लेटर टू वॉइसराय इरविन इन विच डिफरेंट डिमांड्स वर देयर, सम वर जनरल सम वर स्पेसिफिक। सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड जो थी दैट वॉज टू एबॉलिश सॉल्ट टैक्स because salt at that time was a necessity item, it was equal for rich and poor, dono ke liye zaruri tha. So Mahatma Gandhi ji ne salt ko ek weapon banaya aur uske basis ke upar is time unka main motive kya tha, not to follow or disobey rules ko todna. Kaise rule ko toda, unhone kya kiya, he started a march from Sabarmati to Dandi coast with 78 followers and distance he traveled total 240 miles. 240 miles mein yaad rakho 24 days, 24 days tak wo lagatar chalte rahe. On 6 April he reached Dandi. What he did there, he boiled sea water and manufactured salt, and this was the starting of civil disobedience movement. जो उस दिन हुआ उसको सॉल्ट मार्च कहते हैं। उसके बाद आगे इवेंट स्टार्ट हो गए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की एंड मेनी पीपल ज्वाइंड, इवन विमेन आल्सो ज्वाइंड फ्रॉम डिफरेंट, इवन नॉट इन दांडी बट इन डिफरेंट कोस्टल एरियाज मेनी पीपल दे मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, बिकॉज एट दैट टाइम मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट वॉज इलीगल बिकॉज मोनार्की सॉरी मोनोपोली, मोनोपोली क्या होती है, सिंगल रूल। सिंगल रूल ऑफ बाइंग एंड सेलिंग वॉज लाइंग विद ओनली ब्रिटिशर्स, तो इनकी मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिशर्स का जो सॉल्ट टैक्स था, ठीक है, जो लॉ बनाया गया था उस लॉ को ब्रेक किया। एंड उसके साथ क्या हुआ, मैनी पीपल वर अरेस्टेड, लोग जगह जगह जाकर जेल भरो आंदोलन शुरू हो गए। एंड इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी और कांग्रेस लीडर्स और बहुत से लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, एंड इसके बाद यानी कि मतलब सत्याग्रही या जो मूवमेंट्स में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वो पीछे नहीं हट रहे थे, आए दिन
लोग जो थे वो जेल भरो आंदोलन जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इस तरह से ब्रिटिशर्स को जो है वो मूवमेंट किस तरह से बंद करवाई जाए, तो इसके लिए उन्होंने एक प्लान जो है वो किया, और इस प्लान के अंडर महात्मा गांधी जी को एग्री कर लिया गया 5 मार्च 1931। महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको बोलते हैं इरविन पैक्ट। इस इरविन पैक्ट में क्या डिसाइड किया, महात्मा गांधी जी ने फर्स्ट जो है वो एग्रीमेंट पे साइन किया कि ही विल अटेंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन। वो लंदन जाने के लिए रेडी हो गए, लेकिन बदले में उन्होंने क्या कहा कि वो सिविल डिसोबीडियंस को वापस ले लेंगे, लेकिन जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाए। तो महात्मा गांधी जी जो है उनकी और भी बहुत सी डिमांड्स थी, कुछ डिमांड्स को उन्होंने एग्रीमेंट पे जो है वो साइन किया, और इस तरह से काफी उनकी डिमांड्स को फॉलो कर लिया। लेकिन जब महात्मा गांधी जी लंदन गए, वहां पर जो भी उनके साथ ब्रिटिशर्स या गवर्नमेंट जो भी उनके साथ डिस्कशन हुई, महात्मा गांधी जी सेटिस्फाइड नहीं हुए। इवन वहां पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो थे उन्होंने भी उनको अटेंड किया मीटिंग में, एंड सेपरेट इलेक्टोरेट का इशू जो है वो वहां पे बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया। तो महात्मा गांधी जी बिना किसी डिसीजन के ही केम बैक। जब वो वापिस आए तो उन्होंने देखा कि मूवमेंट जो है या लीडर्स जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया, और जिनको छोड़ने की बात की गई थी उनको छोड़ा नहीं गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, अब्दुल गफ्फार जो है फ्रंटियर गांधी जिनको कहा गया अब्दुल गफ्फार खान वो भी जेल में थे, और बहुत से लीडर्स को जेल में जो है वो रखा गया, उनको छोड़ा नहीं। तो फिर महात्मा गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो 1932 में स्टार्ट की, लेकिन इस बार मूवमेंट जो है वो ज्यादा देर तक स्प्रेड नहीं हो पाई और लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि मूवमेंट्स को बार बार स्टार्ट करना फिर उसको वापस ले लेना, और इस तरह से लोगों में एंथुसियाज्म जो है वो खत्म हो गया, और इसलिए धीरे धीरे महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1934 में इसको वापस ले लिया। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये मूवमेंट जो है वो लार्ज स्केल पे स्प्रेड नहीं हो पाई। उसके बाद फिर हमने इसका करने हैं ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स में इसको पार्टिसिपेट, कौन कौन से ग्रुप्स थे। तो इसमें आप बताओगे रिच पीजेंट्स मतलब जो रिच पीजेंट्स थे उनका उनकी डिमांड मेन बतानी है कि रिच पीजेंट्स की डिमांड क्या थी, क्यों उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वो उनको हायर रेवेन्यू पे करना पड़ता था। तो उन्होंने क्या कर दिया, दे रिफ्यूज टू पे हाई रेवेन्यू। उनकी मेन डिमांड थी हाई रेवेन्यू जो रिच पीजेंट्स, इसीलिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। पुअर पीजेंट्स जो पुअर फार्मर्स थे उनकी डिमांड क्या थी, नो रेंट कैंपेन। पुअर पीजेंट्स को अपनी लैंड पे जो रेंट देना पड़ता था वो चाहते थे कि उनका रेंट जो है वो माफ हो जाए, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, नो रेंट कैंपेन चलाया और अपनी तरफ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, देन बिजनेसमैन एंड मर्चेंट्स, जो उस टाइम पर हमारे इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई थी IICC, FICC, फिक्की, ये कुछ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, इनका मेन मोटिव क्या था, टू स्टॉप फॉरेन गुड्स, ताकि इनको फायदा हो कंट्री में, इनकी चीजें बिके, एंड प्रोटेक्ट ट्रेड राइट्स, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। So that's why they participated in civil disobedience movement in their own way by funding and by giving financial assistance. ठीक है, इसके अलावा और कौन से ग्रुप से, वर्कर्स लेबर्स, उनकी पार्टिसिपेशन थोड़ी कम थी। वर्कर्स क्यों इनकी पार्टिसिपेशन कम थी, क्योंकि वर्कर्स को लगता था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो रिच बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है, और बहुत कम ऐसे वर्कर्स थे, छोटा नागपुर में ही कुछ वर्कर्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया। दे स्टार्टेड वेयरिंग गांधी कैप्स,
उन्होंने स्ट्राइक्स एजिटेशन की, तो वर्कर्स की पार्टिसिपेशन थी लेकिन कम. देन वुमेन पार्टिसिपेशन, यस वुमेन पार्टिसिपेशन वॉज ऑल्सो एट लार्ज स्केल. मैनी वुमेन दे केम आउट, दे बॉयल द सी वॉटर एंड दे ऑल्सो वेंट टू जेल, जेल भी गई वो, ठीक है. और इस तरह से वुमेन पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. लेकिन इसके बारे छोटा सा क्वेश्चन आता, वाई कांग्रेस पार्टी वॉज नॉट गिविंग इम्पोर्टेंट पोजिशन टू वुमेन इन देयर पार्टी. जब भी हम इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सी वुमेन के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ लीडर्स ही हैं, जैसे सरोजनी नायडू हैं या कमला नेहरू हैं या माता अंगनी हजारे हैं, सिर्फ इनके ही नाम आते हैं. बहुत सी कम ऐसी वुमेन लीडर्स थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक मेल डोमिनेटिंग पार्टी थी, उनको ये लगता था कि जो वुमेन है वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से संभाले और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर वुमेन की एंट्री को वो थोड़ा सा अपोज करते. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव हाइएस्ट पोजिशन टू वुमेन इन द पार्टी. तो ये हमने सारा किया सिविल डिसोबीडियंस ग्रुप. इसके बाद इसकी लिमिटेशन, लिमिटेशन में हमें थोड़ा सा बताना है कि कौन कौन से इश्यूज बहुत ज्यादा जो है वो रेज किए गए थे. ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. लिमिटेशन में नंबर वन आपने बताना है सेपरेट इलेक्टोरेट, दलित डिमांड्स, उसके बाद फिर आपने बताना है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, कि इन्होंने दलित डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई, नो डाउट. फिर हमने ये भी बताना है कि महात्मा गांधी जी ने दलित को हरिजन कहा, चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा, वो उनके साथ खाना खाते थे, उनके एरियाज में जाकर क्लीनिनेस कैंपेन में पार्टिसिपेट करते थे, बट स्टिल दलित पार्टिसिपेशन वॉज एनी हाउ लेस इन दिस मूवमेंट. फिर पूना पेट, अल्टीमेटली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के साथ जो क्लैश था उसको खत्म करने के लिए पूना पेट साइन हुआ 1932, जिसमें रिजर्व सीट्स जो हैं वो दी गई, डिमांड की गई रिजर्व सीट्स की. उसके बाद मुस्लिम पार्टिसिपेशन लेस बिकॉज मुस्लिम लीग दे वर डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट एंड इन बिटवीन मुस्लिम लीग पार्टी आल्सो डिमांडेड सेपरेट एरिया. लाइक यहीं से ही पाकिस्तान बनाने की डिमांड शुरू हो गई थी, टू नेशन थ्योरी फॉर टू डिफरेंट कम्युनिटीज. और धीरे धीरे लोगों के बीच में डिवीजन की जो फीलिंग है वो आ गई थी. दूसरी तरफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी ब्रिटिशर्स की वो भी फॉलो की जा रही थी बाय ब्रिटिशर्स, एंड इस तरह से कम्युनिटीज के बीच में डिवीजन जो है वो करवाई जा रही थी. तो ये भी एक रीजन था कि इस मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम पार्टिसिपेशन कम थी. देन रोल ऑफ सनातनीज, सनातन या हिंदू महासभा, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में सनातन और हिंदू महासभा उस टाइम पे डोमिनेट ग्रुप थे, तो जिसके कारण मुस्लिम जो थे वो कांग्रेस पार्टी के साथ एक कंबाइंड मूवमेंट जो है वो लॉन्च करने में इंटरेस्टेड या पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड नहीं थे. दूसरी तो देखा जाए तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम फॉर टुगेदर, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में काफी हद तक इनकी पार्टिसिपेशन जो थी वो कम हो गई, ठीक है. So now I will ask you question. I have complete the chapter. Even today I have revised the whole topic according to timeline. Timeline के according आपने याद करना है 1915 से लेकर हमारा last जो हमने year मैंने आपके साथ discuss किया, that is 1934 when Mahatma Gandhi ji he called off second civil disobedience movement. Second time जब उन्होंने civil disobedience movement चलाया. And later on बाद में Quit India movement, Do or Die movement जैसी 1942 में भी स्टार्ट की महात्मा गांधी जी ने. एंड फाइनली वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बट ऑन द बेस ऑफ डिवीजन ऑफ टू एरियाज इंडिया एंड पाकिस्तान. एंड आफ्टर दैट आपको पता ही है कि मैनी पीपल दे फॉट एंड इवन मैनी पीपल दे रिवोल्ट आल्सो, दे वर नॉट इंटरेस्टेड फॉर दिस डिवीजन, बट एनी हाउ द डिवाइड एंड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल दे सक्सीडेड टू डिवाइड द कंट्री. क्लियर? So now I want to ask question, or if you want to ask any question, then raise your hand. Because after this, I will start civics. You have to learn two chapters. First is nationalism in Europe, and second is nationalism in India. In Europe,
you will learn, you have to learn world history, and in India you have to learn Indian history. Freedom struggle. Any question you want to ask from this topic? Events, when you will write events according to year wise and date wise, it will be easy for you to learn. ताकि अगर कोई भी इवेंट आती है ना, उससे पहले के क्वेश्चन, सपोज अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ, विच वर द रीजंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, व्हाई महात्मा गांधी के स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की पहली की सारी इवेंट्स आपने बता देनी है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर आपने बताना है दैट रॉलेट एक्ट, देन फिर आपने बताना है जलियांवाला बाग इंसिडेंट, उसके बाद फिर आपने बताना है दैट एक्सप्लॉयटेशन टू मेनी पीपल, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, दिस लेड टू स्टार्टिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन इवेंट से पहले. क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन बच्चे? रेज योर हैंड. एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? हाँ जी अर्शीन. एनी डाउट फ्रॉम दिस चैप्टर? नो मैम. थैंक यू बेटा. धवनेश. हाँ जी धवनेश.